अस्सलाम वालेकुम। आज कॉपियर डॉट पी के पे हम आपको किसी भी रिको की मशीन से वाईफाई से प्रिंट कैसे कर सकते हैं हम वो आपको दिखाएंगे। मोबाइल से डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए आपको एक राउटर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका वाईफाई सिग्नल इमिट कर सकता है। तो आपकी मशीन में अगर वाईफाई का बिल्ट इन ऑप्शन नहीं भी आया तो आप वाईफाई राउटर से आप मशीन को थ्रू केबल कनेक्ट करें, और इसके बाद ये सेटिंग मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले आपने अपनी मशीन पे यूज़र की प्रेस कर लेनी है। यूज़र की प्रेस करने के बाद आपने सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। सिस्टम सेटिंग्स के बाद आप इंटरफेस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। मशीन के नेटवर्क में जब आप आएंगे तो आपको ये डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाएंगी, जिसमें से आपने मशीन IPv4 सेलेक्ट करना है। ऑटो ऑब्टेन DHCP सर्वर अगर आपके सेटअप है तो आपका जो प्रिंटर या फोटोकॉपियर है वो ऑटोमेटिकली आपके IP ले लेगा। अगर आपके पास DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो आपको खुद ही IP देनी पड़ेगी, जिसके लिए हम स्पेसिफाई पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद मशीन IPv4 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रैंडम पहले से IP मौजूद है। यहाँ पर हम नई IP अपनी इनपुट करेंगे 192.168.100.203। ये देने के बाद आप हैश प्रेस करें जिससे सेटिंग सेव हो जाएगी और ओके का बटन दबाएंगे। उसके बाद सबनेट मास्क डालेंगे। सबनेट मास्क आपका 255.255.255.0 होगा। ये इंटर करने के बाद दोबारा आप हैश का बटन प्रेस करेंगे और ओके कर देंगे। अब आपका IP कॉन्फ़िगर हो चुका है प्रिंटर पर या फोटोकॉपियर पर। उसके बाद आप ओके का बटन क्लिक करेंगे। इसके अलावा किसी भी सेटिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको एग्ज़िट कर देंगे। इसके बाद आप मोबाइल की सेटिंग में आएंगे। मोबाइल में आप सबसे पहले अपनी रिको की ऐप इंस्टॉल करेंगे। अपने मोबाइल में सबसे पहले आपने गूगल प्ले पर जाना है। गूगल प्ले क्लिक करने के बाद आपके पास ये पैनल ओपन हो जाता है। इसमें आपने सर्च में लिखना है रिको। जैसे ही आप रिको लेके एंटर करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऐप्स आ जाएंगे। पहले नंबर पर जो ऐप आ रही है उसको आपने क्लिक कर लेना है। रिको स्मार्ट डिवाइस कनेक्टर के नाम से ये ऐप है, इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल कर लेंगे। ये डाउनलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद ये ओपन हो जाएगी। इसको ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर ये इन्फो देता है कुछ डिवाइसेस के बारे में। इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहें, ओके कर दें इस मेन्यू को। डिफरेंट किस्म के इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। हमें अभी सिर्फ प्रिंटिंग रिक्वायर्ड है तो हम उसकी तरफ आएंगे। ओके कर दें इसको। अब इसमें परमिशंस वगैरह नहीं दी गई ऐप को एक्सेस करने की, तो हम उन परमिशंस को जाके इनेबल करेंगे। सारी परमिशंस को अलाउ करेंगे, आप बैक आएंगे। अब हमने इसको अपनी मशीन के साथ कनेक्ट करना है। मशीन के साथ कनेक्ट करने के लिए आप सेम वाईफाई के साथ दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके, इसमें दो तीन किस्म के ऑप्शंस दिए गए हैं, हमने ऐड मशीन पर क्लिक करना है। ऐड मशीन पर क्लिक करने के बाद आपके पास QR, ब्लूटूथ, IP एड्रेस और सर्च मशीन आ जाता है। हमने IP एड्रेस इंटर करना है जो मशीन में इंटर किया था। इंटर करने के बाद जब आप सर्चिंग करेंगे तो आपकी मशीन आ जाएगी। हमने रिको MPC 305 अटैच की हुई है, वो जब आपके पास शो हो जाएगी तो उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका वो ब्लू डॉट शो हो जाएगा। उसके बाद आपने कोई भी चीज़ प्रिंट करके देख लेनी है कि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्रिंटिंग हो रही है या नहीं। इसमें अगर प्रिंटिंग पे जाएं तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, एल्बम, लोकल फोल्डर, वेब पेज, ईमेल, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमने पहले से डाटा इंटर करके रखा है, मैं वहाँ से कॉपी करूँगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं या आप पढ़ सकते हैं, आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पेज की सेटिंग आ जाती है, कलर करना है, ब्लैक एंड वाइट करना है, पेज का साइज़ आ जाएगा, वर्टिकल ओरिएंटेशन, जितनी भी सेटिंग है प्रिंटिंग के लिए वो सारी आपकी सेटिंग यहाँ से आ जाती है। इस पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंटिंग कमांड चली गई है, और ये आप देख सकते हैं कि मैंने प्रिंटिंग करके पेज जो है आपको रिजल्ट दिखा दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई टेक टिप्स मिलती रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।